टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ठगी के शिकार हुए हैं। उन्होंने इस ठगी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। एफआईआर में उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व मैनेजर कमलेश पारीख और उनके बेटे ध्रुव पारीख का नाम लिया है। पीनल कोड के सेक्शन 406 के तहत बाप बेटे पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आकाश चोपड़ा ने कहा है कि कमलेश और ध्रुव को उन्होंने जूते के व्यापार के लिए 57.8 लाख रुपए दिए थे। यह रकम उन्हें 30 दिन के अंदर ही वापस लौटाई जानी थी। आकाश को इस रकम के साथ 20% ब्याज मिलने का भी वादा किया गया था, लेकिन एक साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी प्रो क्रिकेटर को महज 24.5 लाख रुपए ही लौटाए गए हैं। आकाश ने एफआईआर में कहा, हम लोगों ने इस एग्रीमेंट के लिए एक नोटरी कराई थी जिसमें साफ था कि ध्रुव मुझे 30 दिनों के अंदर 20% प्रॉफिट के साथ पूरा पैसा लौटाएंगे। इसके लिए तय तारीख के कुछ एडवांस चेक भी प्रदान किए गए थे। हालांकि एक साल बीत चुका है और केवल 24.5 लाख रुपए वापस लौटाए गए हैं। दो चेक भी बाउंस हो गए हैं। चोपड़ा ने यह भी लिखा है कि मैंने इस संदर्भ में ध्रुव के पिता से भी बात की थी और उन्होंने अपने बेटे की ओर से एग्रीमेंट की शर्तें पूरा करने की बात कही, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। लीगल नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन बाप और बेटे ने किसी तरह से कोई भी जवाब नहीं दिया है।